संफाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये दो व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक की। दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से, फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से संफाई सुरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। बोले वो जब भी दिल्ली आते हैं तब भी हम लोग आते हो और जहां में भी वो झारखंड में भी जाते हैं हम लोग फॉलो करता हूं। मेरा अभी संदेह है कि शायद उनका फोन भी टैप हुआ होगा। जब दो अधिकारी को आप डिप्लॉय किया है फाइव स्टार होटल में एक साथ रुकने के लिए, आपने फंडिंग किए हैं, फ्लाइट में एक साथ आने के लिए फंडिंग किए हैं, इतना बड़ा सर्विलियंस आज तक कहीं नहीं हुआ है। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस इन इंडियन पॉलिटिक्स कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो आपका ही कैबिनेट का कलीग है उनको आप सर्विलियंस में लास्ट 5 महीना में रखा हुआ है। तब वो उनका साथ बीजेपी का कोई संबंध भी नहीं था। आप लोग सबको मालूम है कि झारखंड का मंत्रिसभा में आज भी श्री संफाई सुरेन जी मंत्री है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है, 30 तारीख ज्वाइन होगा। जब तक वो रिजाइन नहीं देते हैं तब तक वो एक माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। तो पहले संफाई सुरेन जी दिल्ली गए थे आज से एक सप्ताह पहले और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था। फिर दोबारा 26 तारीख को वो कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे। तो दोनों बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे। दोनों बार उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, आधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे। लेकिन काल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे, स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंत जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को संफाई सुरेन जी का जो साथी थे दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया साथ में संफाई सुरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये दो व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा संदेह हो रहा है ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से, फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट है, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से संफाई सुरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। बोले वो जब भी दिल्ली आते हैं तब भी हम लोग आते हो और जहां में भी वो झारखंड में भी जाते हैं हम लोग फॉलो करता हूं।
फिर ये पूछा गया कि आपको ये जिम्मेदारी किसने लगाया, ये नाम बताया जो कि आईजी प्रभात कुमार जो वहां का स्पेशल ब्रांच का एडीजीपी है, उन्होंने ये दोनों लोगों को जिम्मेदारी लगाया था। ये दोनों व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, दोनों का फोटोग्राफ भी है मेरा पास, दोनों नाम भी है, लेकिन शायद वो लोग बाकी काम भी करता है तो उनका जो कवर है उनको एक्सपोज कर देना मेरे लिए सही नहीं है, बिकॉज दे माइट बी इन्वॉल्व इन अदर नक्सल ऑपरेशन और मेनी अदर ऑपरेशन दे मे दिस ऑफिसर मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व, सो इसीलिए उनका कवर तोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन नाम भी मेरा पास है, दोनों चेहरा भी मेरा पास है, इसलिए होटल से ही लोगों ने लोगों को पकड़ा था। तो ये स्वाधीन भारत में ये कभी नहीं हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग, एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग का ऊपर, जैसे आज अगर मैं मेरा ही कैबिनेट मंत्री जी का ऊपर मैं एसबी लगा देता हूं, या मोदी जी अपना ही कैबिनेट मिनिस्टर का पीछे लगा देते हैं ऑफिसर्स कि कहां जाते हैं कैसा जाते हैं ट्रैक करो, एक साथ ट्रेवल करो, होटल का साथ में ही रहो, जो भी मिलने आते हैं उनका फोटो खींचो, उनका फोटो भेजो, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, प्राइवेसी को पूरा खत्म कर देना। और ये आज भी दिल्ली पुलिस का कस्टडी में ही दोनों ऑफिसर है, आगे जाके दिल्ली पुलिस क्या करेगा नहीं करेगा वो दिल्ली पुलिस ही जानते हैं, लेकिन जो हुए हैं ये सनकपुरी का डीसीपी को हम लोगों ने कंप्लेन दिए थे, सनकपुरी थाना में है ये दोनों व्यक्ति। तो ये स्वाधीन भारत में ऐसा कभी नहीं हुए कि एक आपका कॉलीग है, कॉलीग का साथ आपने अपना स्पेशल ब्रांच को ड्यूटी लगाया। मेरा अभी संदेह है कि शायद उनका फोन भी टैप हुआ होगा, जब दो अधिकारी को आप डिप्लॉय किया है फाइव स्टार होटल में एक साथ रुकने के लिए, आपने फंडिंग किए हैं फ्लाइट में एक साथ आने के लिए फंडिंग किए हैं, तब ये कितना बड़ा मामला हो सकता है आप लोग देख सकते हैं। कांग्रेस और जेएमएम ये दोनों पार्टियां जो बहुत ही संविधान रक्षा करने का बाद हर समय बोलते हैं कि हम लोग संविधान को रक्षा करने वाला है, क्या लोगों का प्राइवेसी को ऐसे आक्रमण करना, क्या ये भारत का संविधान इजाजत देते हैं कि शंफाई सोरेन जी क्या कोई नक्सल है, क्या शंफाई सोरेन जी कोई एक्सट्रीमिस्ट है? आप तो बोल सकते हैं, आप कोई भी सिविलाइज कंट्री में ऐसा एस्पानोज हो ही नहीं सकता है। तो ये मामला एक आदिवासी नेता है, और ये मामला आज आप सनकपुरी पुलिस स्टेशन में आप लोग जाके कंफर्म कर सकते हैं। कल शाम को हमारा मतलब उनका साथ जो लोग थे वो लोगों ने उनको थाना में हैंडओवर किया। और एक बहुत बड़ी बात है, जब ये दोनों व्यक्ति थे होटल में, जब स्पेशल ब्रांच का दोनों पुलिस ऑफिसर थे, वो समय एक महिला का भी उनका रूम में आगमन हुआ। जब ये दोनों पुलिस ऑफिसर रहा, दोनों पुलिस ऑफिसर को कुछ समय एक महिलाओं का साथ भी देखा गया। तो ये हो सकता है कोई ट्रैपिंग का भी कुछ शायद स्कीम कुछ बना हुआ था, हम बोल नहीं सकता हूं, बट ये लोगों ने बताया कि, और वो लोगों ने भी एडमिट किया कि हाँ महिला आए थे। हमने बहुत ज्यादा तहकीकत करना हमारा काम नहीं है, इसलिए हमने तहकीकत नहीं किया, लेकिन महिला आप किसी को आप ट्रैक कर रहा है, दो पुलिस ऑफिसर किसी का आप लोग
फॉलो कर रहा है, आप ऑफिशियल ड्यूटी में है, फिर महिला आपका रूम में आगमन सेम फ्लोर में जहां संफाई सोरेन जी भी है, तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला है। और ये दोनों पुलिस ऑफिसर ने ये भी बोला है कि हमको संविधानिक पद में बैठे हुआ व्यक्ति भी हमको मिले और हमको स्पेशली ये टास्क दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन संफाई सोरेन जी को फॉलो करने के लिए टास्क मुझे संविधानिक पद में बैठे हुआ व्यक्ति से ही हम लोगों को मिला था। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, मैं चाहूंगा कि इसका बारे में अच्छा से इंक्वायरी हो, या क्या फॉलोअप भी था, फॉलो करना ही था कि संफाई सोरेन जी का फोन वगैरह में भी ट्रैक में है, टैपिंग में है। सारा मामला एक जांच का विषय है। 30 तारीख मैं भी झारखंड जाऊंगा, दोबारा ये मसला हम लोग राज्यपाल महोदय से मिल के हम लोग बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी कोई संविधान का रक्षक नहीं है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 संविधान का फंडामेंटल राइट्स है कि इंडिविजुअल का प्राइवेसी को आप हनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज कांग्रेस और जेएमएम सीधा सीधा लोगों का प्राइवेसी को भी इन्वेड कर रहा है, और व्हेन ही बिकम्स ए सीनियर आदिवासी लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एंड आज जो हम बात कर रहा हूं अभी भी वो कैबिनेट का मंत्री है, अभी भी वो कैबिनेट मिनिस्टर है। काल में अगर रनुष पेगू, पीयूष हजारिका, केशव महंतो का साथ दो दो ऑफिसर लगा देता हूं, कहां जाते हैं, क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देख के रहो, तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन एंड यू कैन इमेजिन द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड जेएमएम पार्टी। दे डू नॉट स्पेयर इवन देयर एस्टीम कॉलिग, एंड वही लोग हमको बताता है कि हम लोग संविधान रक्षा करने वाला हूं। तो ये सारे जो बात मैंने बोला, ये तो वन हाफ ऑफ द स्टोरी है जो हम लोग का बात से निकाला। दिल्ली पुलिस ने क्या तहकीकत किया है आगे जाके, ये तो दिल्ली पुलिस ही बता पाएगा। इट इज नॉट अ सिक्योरिटी लैप्स, दिस इज अ सीरियस एस्पोनेंस जो भारत में कभी नहीं हुआ है। नथिंग टू डू विथ सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा मामला है कि एक सरकार अपना कैबिनेट मंत्री का ही ऊपर एस्पोनेंस करके रखा है, सर्विलियंस में रखा है, एक अपना मंत्री को सर्विलियंस का अंदर रखा है। ये बहुत बड़ा मैटर है, इट इज अ मैटर ऑफ सर्विलियंस एंड इन्वेटिंग द राइट टू प्राइवेसी। सरकार तो उनका ही है, आईजी साहब, डीजीपी साहब तो उनका ही है, और ये लोग दोनों ने बयान दिया कि हमें पॉलिटिकल लीडर से भी ये टास्क मिला है। तो लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बिकॉज ये इट इज अ मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इतना बड़ा सर्विलियंस आज तक कहीं नहीं हुआ है। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस इन इंडियन पॉलिटिक्स कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो आपका ही कैबिनेट का कलीग है, उनको आप सर्विलियंस में लास्ट 5 महीना में रखा हुआ है। तब वो उनका साथ बीजेपी का कोई संबंध भी नहीं,